जय हिंद दोस्तों, आज आपको बताते हैं गंगा का उद्गम स्थान क्या है। गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ से ओरिजिन है, इस प्रकार की कई सारी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, कई सारे मिथ्य हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है या गंगोत्री से निकलती है। तो उसके बारे में बेसिकली गंगा जो है उत्तराखंड की नदी है, वो कैसे निकलती है वो आप देखते हैं। बेसिकली गंगा जो है बद्रीनाथ के पास एरिया में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, छोटे छोटे ग्लेशियर हैं, जो ग्लेशियर बेसिकली जो ग्लेशियर हैं वहाँ से बद्रीनाथ जगह है, वहाँ से विष्णु गंगा और धौली गंगा नाम से दो छोटी छोटी नदी निकलती हैं, जिसमें विष्णु गंगा बड़ी है और धौली गंगा छोटी है। तो यहाँ पे आके मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में आके मिलती हैं विष्णु गंगा और धौली गंगा। बद्रीनाथ में संतो पथ हिमानी करके जगह है जहाँ से दो नदी निकलती है, विष्णु गंगा धौली गंगा, यहाँ पे मिल जाती हैं। तो धौली गंगा खत्म हो जाती है, विष्णु गंगा यहाँ से चलती है, फिर आगे ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये पूरी अलकनंदा नदी कहलाती है, अलकनंदा अलकनंदा पूरी नदी कहलाती है अलकनंदा। यहाँ पे शायद दो नदियाँ और मिलती हैं, नंदाकिनी नदी मिलती है और एक पिंडार नदी मिलती है। नंदाकिनी नदी जो मिलती है वो उस जगह को बोलते हैं नंदप्रयाग, और जो पिंडार नदी मिलती है उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। और साथ में ही एक ग्लेशियर यहाँ केदारनाथ से जो नदी निकलती है उसको बोलते हैं मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जो आके मिलती है वो रुद्रप्रयाग में, यहाँ पे आके मिलती है रुद्रप्रयाग में। और दूसरा उत्तरकाशी से भी एक गंगोत्री जगह है, जहाँ पे गंगोत्री और एक पर्टिकुलर स्थान भी है जो गोमुख, गोमुख कहाँ जाता है, वहाँ से एक भागीरथी की एक भागीरथी निकलती है। उत्तरकाशी वाले बेसिकली भागीरथी को ही गंगा नदी मानते हैं। जो इसमें एक छोटी नदी और मिलती है भीलांगना, जो छोटी होने की वजह से ये इसी में मिल जाती है और भागीरथी कहलाती है। जो जो मंदाकिनी नदी मिलती है वो रुद्रप्रयाग में आके मिलती है, जो भागीरथी नदी है वो देवप्रयाग में आके मिलती है। आगे फिर ये पूरी गंगा हो जाती है, गंगा बेसिकली। इस पांच जगह पे ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में माना गया है कि पांच जगह पे घूमना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। एक तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये पंच पंच प्रयाग के नाम से फेमस हैं। इनके बेसिकली लोगों को इसके दर्शन करने चाहिए। विष्णु भगवान के यहाँ पे विष्णु गंगा है, विष्णु भगवान के नाम से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग विष्णु जी का अवतार है, कृष्ण जी उनका छोटे का नाम है नंद जी, तो नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और एक रुद्र, रुद्र रूप की वजह से रुद्र प्रयाग और देव का रूप होने की वजह से देव प्रयाग, ये पांच स्थान है बेसिकली। यही बेसिकली गंगा यहाँ पे निकलती नहीं है, गंगा यहाँ से बनती है, बड़ी नदी होने की वजह से यहाँ से गंगा बनती है और ये इसमें मिलती है तो ये स्थान हो जाता है। और यहाँ से बेसिकली होता है गुरुडीह, चपरासी और इन सभी में पूछा जाता है गंगा कहाँ से निकलती है, तो उसमें आप लिख सकते हैं गंगोत्री गोमुख से निकलती है। पर IAS PCS इन पेपर में लोगों को पता है कि मतलब गंगा निकलती नहीं है, गंगा बन जाती है, बड़ी नदी बहुत सारी सहायक नदी मिलके ही गंगा यहाँ से शुरू होती है बनना, यहाँ से बेसिकली शुरू होती है, इस जगह से गंगा यहाँ से शुरू होती है। यही है गंगा का ओरिजिन, कहाँ से निकलती कैसे निकलती है, ये पूरा डायग्राम है इसका। उत्तराखंड के दो एरिया गढ़वाल और कुमायूं, बेसिकली गढ़वाल बड़ा है, बहुत सारे ग्लेशियर मिलके छोटे बड़े ग्लेशियर मिलके गंगा को बनाते हैं, जिसमें आप दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं, दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। बेसिकली बद्रीनाथ में संतो पथ हिमानी नाम की दो जगह है जहाँ से दो धाराएं निकलती है, एक विष्णु गंगा धौली गंगा, विष्णु गंगा जहाँ मिलती है उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं, और आगे और इसी से ही यहाँ से जो पूरी निकलती है अलकनंदा नदी बोलते हैं, अलकनंदा नदी, ये लंबी जो रेड कलर की लाइन है इसको अलकनंदा बोलते हैं। अलकनंदा सबसे गहरी नदी है जिसकी वजह से इसका नाम यहाँ तक रहता है। इससे सहायक नदियों में एक नंदाकिनी नदी मिलती है, इसमें यहाँ यहाँ आके एक पिंडार नदी मिलती है, और इधर से केदारनाथ से मंदाकिनी नदी मिलती है, और गंगोत्री से भागीरथी मिलती है यहाँ पे। इन पांच
पांचों के स्थान नाम विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये पांच स्थान हो गए। दो तीन चार और ये पांच। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।